सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू वीडियो गाइस। आज का ये जो वीडियो है ये एसएलएन का पार्ट 5 वीडियो है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल, जिसको हम लोग राउंड नंबर कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम करना चाहिए एंड कैसे काम करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि साइकोलॉजिकल लेवल एंड क्लोजिंग प्राइस, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है। ओके, और बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको आज इस वीडियो से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, वीडियो को एकदम पूरा वॉच कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को आज इस वीडियो को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में जो बेल वाला घंटी है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर देना। ओके, सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल जिसको हम लोग PSY लेवल भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल एंड जो हमारा हमारा होता है क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग प्राइस, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। ओके, तो अगर मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जितना भी सीखा आज मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है, सो मैं सच बता रहा हूँ कि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है और ये क्लोजिंग प्राइस है, ये दोनों ही सेम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कम इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही समान समान है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका आंसर आप लोग को मिल गया। ओके, सो अभी बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है एंड क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो क्या करता है, एक्ट एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि आप लोगों को मैं अभी सिखाऊंगा कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरीके से काम करना है। ओके, ठीक उसी तरीके आपका उसी तरीके से आप क्या करोगे, साइकोलॉजिकल लेवल एंड क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही काम करोगे। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है, मान लो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और मान लो ये एक क्लोजिंग प्राइस है। तो जब मार्केट ऊपर से लेकर नीचे आएगा तब क्या ये किस रूप से काम करेगा, तब ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा। और ये जब ये मान लो क्लोजिंग प्राइस है, तो मार्केट के अंदर क्लोजिंग प्राइस जब ऐसे नीचे से आएगा मार्केट, तब ये कैसे काम करेगा, ये सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर मार्केट ठीक नीचे से लेकर ऊपर जा रहा है, तो उस तरीके से क्लोजिंग प्राइस किस तरीके से काम करेगा, रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। और PSY लेवल के पास अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है एंड जो क्लोजिंग प्राइस होता है, ये एक्ट एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, लोग क्लियर हो गया, ये दोनों में से कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ओके, सो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर किस प्रकार से काम करना होगा। ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के में काम करने का दो मेथड है। ओके, पहले हम लोग नंबर वन मेथड को समझेंगे। नंबर वन मेथड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी ठीक इसी तरीके से कोई भी लाइन नहीं होता, ये हमेशा एक जोन होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है। हमेशा आप कोशिश करो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा जोन में बनाना। ये लाइन आपको धोखा दे सकता है, पर आपको जो जोन होता है आपको ये धोखा नहीं देगा। ओके, सो जिससे आप लोग क्लियर फोकस कर पाओगे। ओके, सो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं जोन बना लिया। ओके, अगर मार्केट मान लो ये सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, सो जब मार्केट ऊपर से आएगा तो ये सपोर्ट के तरीके से काम करेगा, और जब मार्केट ऐसे नीचे से जाएगा तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। ओके, सो मार्केट अभी मान लो कि नीचे ऊपर से लेकर नीचे आ रहा है। ओके, ऊपर से लेकर नीचे आ रहा है एंड क्लोजिंग प्राइस में क्या कर रहा है, ये जो सपोर्ट है इसको हम लोग डिमांड जोन भी बोलते हैं। इस सपोर्ट के पास आके मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा है, मार्केट टाइम वेस्ट कर रहा है, मार्केट रुका हुआ है, या फिर थोड़ा बहुत एक इम्पल्सिव वेव दिया। ओके, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना दिया। तो हम लोग यहाँ पे कैसे काम करेंगे, हम लोग क्या यहाँ पे जब हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट है एंड सपोर्ट के पास मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि जितना भी रिटेलर है यहाँ पे सब लोग बाइंग कर रहा है। ओके, यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं करेगा, क्योंकि सबको क्या सिखाया जाता है, सबको सिखाया जाता है कि सपोर्ट पे बाय करो एंड रेजिस्टेंस पे सेल करो। तो सब रिटेलर यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट को देखते हुए बाय करेगा। सो जब यहाँ पे सभी रिटेलर यहाँ पे बाय करेंगे, तब उनका जो स्टॉप लॉसेस है वो कहाँ क्रिएट होगा, नीचे क्रिएट होगा। तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट ऑब्वियसली बात नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट उधर जाएगा जिधर स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉसेस कहाँ है, नीचे है, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन में जब हम लोग को एक अच्छा खासा एंट्री हम लोग ढूंढेंगे एंड उसके बाद हम लोग पी की तरफ जाएंगे। ओके, ये हो गया पहला चीज। ओके, अभी आप लोग को मैं
इसको रेजिस्टेंस पे कैसे अप्लाई करना होता है, सेम तरीका होता है, मैं आप लोगों को फिर भी दिखा दे रहा हूँ। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और मार्केट क्या कर रहा है, इसको इसके पास गया एंड यहाँ पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना दिया इम्पल्सिव वेव। तो यहाँ पे रिटेलर क्या करेगा मुझे बताओ? हाँ, अपने सही पकड़े, यहाँ पे रिटेलर क्या करेगा? सेल करेगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। रिटेलर ने तो यही तो सीखा, रिटेलर कि रेजिस्टेंस पे सेल करना है, और मार्केट इसका ब्रेकआउट भी नहीं दिया, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट यानी कि रिटेलर यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्ट है। तो जब यहाँ पे रिटेलर क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे, तब उसका जो स्टॉप लॉस है वो अपर साइड अवेलेबल होगा, तो मार्केट किधर जाएगा? मार्केट ऊपर जाएगा। जब यहाँ पे मार्केट आपको हम जब यहाँ पे मार्केट को हम लोग कंसोलिडेट करने हुए देखते हैं, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका एक ही मतलब होता है, यानी कि कंसोलिडेट मतलब मार्केट यहाँ पे किसी ना किसी को ट्रैप कर रहा है। ओके, अच्छे से समझ लो, ये जो ऐसे कंसोलिडेट होता है, मार्केट ऐसे जो छोटा छोटा कैंडल बनाता है, इसका एक ही मतलब है। क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, यानी कि मार्केट यहाँ पे किसी को ट्रैप कर रहा है। तो जब रेजिस्टेंस के पास ऐसे मार्केट ट्रैप कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है? यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर रहा है। तो जब यहाँ पे लव सब लोग सेल करेंगे, तब उसका जो स्टॉप लॉस है वो अपर साइड अवेलेबल होगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। ओके, तो ये होगा पहला तरीका। ओके, अभी हम लोग दूसरे तरीके के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? हम लोग फिर से एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं और उसका ओके, और मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट इस सपोर्ट को ऊपर से आया एंड इस सपोर्ट को ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे अच्छे से समझ लो कि पहले कंडीशन में मार्केट क्या किया था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, पर इस कंडीशन में क्या किया मार्केट, ये नंबर टू है, और इस कंडीशन में मार्केट कंसोलिडेट नहीं किया। अच्छे से, हाँ, इस कंडीशन यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट नहीं किया, यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे जब किसी भी एक सपोर्ट का डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है ऐसे, तब यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा? तब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होगा, सेलर सेल करने के लिए आएगा। ओके, क्योंकि ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया ना, सेलर रिटेलर ने तो यही तो सीखा रिटेलर कि सपोर्ट का, अगर कोई भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो सेल करो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो बाय करो। तो जब भी एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जब यहाँ पे सब लोग सेलिंग में इंटरेस्ट होंगे, तब क्या हम भी उस रिटेलर की तरह ट्रैप होंगे? नहीं, जब यहाँ पे सब लोग सेल करेंगे, उसका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर अवेलेबल होगा, ऊपर क्रिएट होगा, और नीचे कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट नीचे जाएगा नहीं, नीचे खुला आसमान है, तो ऑब्वियसली बात मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे जितने भी सेलर है सेल कर रहा था, उसका स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कॉल को बाय करेंगे। ओके, ये हो गया सपोर्ट की बात। अभी एक रेजिस्टेंस की बात कर सॉरी या अभी एक ओके रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट, मैंने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर दिया, एंड यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है एकदम डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा? यहाँ पे बायर एक्टिवेट होगा, क्योंकि रिटेलर ने तो यही तो पढ़ा कि किसी भी एक रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे कौन है? बाय करो। ओके, तो यही देखते हुए रिटेलर क्या करेगा, यहाँ पे बाय करेगा, और उनका जो स्टॉप लॉसेस है वो नीचे अवेलेबल होगा, ऊपर मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉप लॉसेस है नहीं, तो ऊपर मार्केट जा नहीं सकता, मार्केट घुमा फिरा के इसका जो स्टॉप लॉस है वो खाने के लिए यहाँ तक आएगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग करना पड़ेगा, इसी तरीके से मार्केट काम करता है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में वर्क करना है, और इसी तरीके से मैं हर रोज प्रॉफिट करता हूँ। ओके, आई होप कि आप लोगों को मैं सब कुछ अच्छे से समझा पाया हो चुका हूँ। ओके, आई होप कि गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैंने जो जो भी बताया वो आप लोगों को बहुत काम में आएगा, इससे आप लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, सो जो मेरे को पता है जिससे मैं हर रोज प्रॉफिट करता हूँ वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, और इससे आप भी प्रॉफिट करने लग जाओगे। ओके, आप लोग थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग करना, थोड़ा बहुत फ्रंट टेस्टिंग करना, उसके बाद आप भी मेरे जैसा प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। आई होप कि आप आज का जो वीडियो है इससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके काके बेल बेल वाला घंटी पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। ओके, सो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।